अच्छा तो यहाँ से क्या हुआ कि मैंने पहले डिक्लेरेशन कर ली, उसके बाद मैंने क्या कर लिया, मैंने असाइनमेंट कर ली, मैंने डिफरेंट वैल्यूज वहाँ पे असाइन कर दी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस अरे को प्रिंट करके देखूँ, प्रिंट करके देखूँ। अच्छा आप लोगों ने ये गलती कभी नहीं करनी कि आप लोगों ने लिखा दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और उसके अंदर आपने लिख दिया कि ए। अगर आप ऐसे करेंगे यहाँ पे आपने ए लिख दिया तो क्या होगा, ये मैं बल्कि चला कर दिखाती हूँ, कोई करके देखते हैं। ठीक है ये मैं इसको सेव करती हूँ, इसका नाम है अरेज प्रैक्टिस लैब नंबर 14 है। अच्छा जी ये वहाँ जाकर सेव हो गई है, अब मैं ज़रा ओपन कर लूँगा वहाँ पर सी एम डी को, फिर देखते हैं कि ए को लिखने से वो अरे क्यों नहीं डिस्प्ले करता। हालांकि हम जब स्ट्रिंग करते थे तो स्ट्रिंग में ऐसे होता था कि हम स्ट्रिंग का नाम लिखते थे, स्ट्रिंग की वैल्यू सारी की सारी वहाँ पे आ जाती थी, अब ऐसा नहीं होता। कहाँ गया ये, लैब 14 के अंदर यहाँ पे सी एम डी। जावा सी यहाँ पे लिखा क्या नाम था, अरेज प्रैक्टिस और जावा, एरर कोई नहीं आएगा, एरर इसमें बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ए जो है एक वैलिड अरे का नेम है, अरे का नेम ए है, हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन प्रिंट होने में उससे क्या मिलेगा हमें, हम ये देखना चाह रहे हैं, ए को प्रिंट करने से मुझे क्या अरे की सारी वैल्यूज मिल रही हैं या मुझे कुछ और मिल रहा है। अब देखते हैं इसको रन करते हैं। अच्छा ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन लें ताकि आप लोग को वाई वाई में मसला ना हो। ये देखें ये मुझे क्या मिला, ये कोई अजीब सी वैल्यू है। अब ये वैल्यू कोई मुझे बता सकता है ये क्या है, सर ने भी क्लास में ये बात की होगी ज़रूर कि अरे एक नेम के अंदर क्या स्टोर हुआ होता है। मैम एड्रेस, उसका एड्रेस। एड्रेस, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा होता यूं है कि हम लोग अगर वापस इधर ही आती है, हम लोग अगर कोई अरे डिक्लेयर करते हैं, जस्ट सेकंड ताकि न्यू स्क्रीन को ले लूं और उसके अंदर हम लोग काम करें। अच्छा जी अच्छा मैं ही बात करूंगी, जब हमने कोई अरे डिक्लेयर, हम पहले वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वेरिएबल में क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब ए जो है क्योंकि वो ए की मेमोरी एरिया, तो इसलिए उसको कोई एड्रेस उसका है, जरूर एड्रेस उसका है, लेकिन हमें इससे कोई कंसर्न नहीं कि एड्रेस उसको क्या है। लेकिन क्योंकि जब मैं ज्यादा डिक्लेयर करती हूँ इंटीजर, मैंने एक अरे डिक्लेयर की है, तो अरे में क्या होगा कि मेरे पास मेमोरी के अंदर जितने भी बॉक्सेस बनेंगे उन सब में से सारे बॉक्सेस के अंदर से मुझे जो है मेरे पहले बॉक्स का एड्रेस दे दिया जाएगा, जो अरे का नेम है उसके अंदर बेसिकली पहले वाले बॉक्स का जो एड्रेस है ना, एड्रेस हमें नहीं पता किस लैंग्वेज में है, हेक्साडेसिमल समथिंग कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं, सपोज एफ ए ओ कुछ इस तरह का नाम है, फिर एफ ए वन है, कुछ इस तरह के इनके एड्रेसेज हैं। इंडेक्सेस की बात नहीं करी, इंडेक्सेस वही हैं, 0 1 इंडेक्सेस वही हैं जो हमारे लिए हैं, लेकिन जो मेमोरी खुद यूज करती है वो कोई एड्रेसेज यूज करती है। तो उसने हमें ये बता दिया कि तुमने जब भी ए को यूज करना है, ले किसी एल एक्सेस करना है, तुम्हें उसके इंडेक्सिंग को यूज करके एक्सेस करना पड़ेगा। तुम अगर उसके नाम को यूज करने की कोशिश करोगे तो नाम के अंदर बेसिकली ये पहले वाला जो एड्रेस है वो पड़ा हुआ था, पहले वाला एड्रेस होता है, फिर वो खुद ही जो है हम उसको पहले वाला एड्रेस बताएंगे अगर, तो वो एड्रेस से अगले पे चला जाएगा, वहां से अगले पे चला जाएगा, इस तरह से वो बेसिकली इंडेक्सिंग में बैकएंड के अंदर वो ऐसे जा रहा है। जब मैं 1 की बात करूंगी तो वो यहाँ से पहले इस एड्रेस पे जाएगा, इस एड्रेस से 1 स्टेप आगे चला जाएगा तो यहाँ पे इस एड्रेस पे पहुंच जाएगा और इसकी वैल्यू जो भी यहाँ पड़ी होगी वो मुझे रिटर्न कर देगा। ऐसे जब मैं अगर 2 की बात करती हूँ इंडेक्स नंबर 2 की, तो वैसे करता है कि यहाँ से पहले एड्रेस से अगले पे जाता है, अगले फिर अगले पे जाता है, यानी कि 2 स्टेप्स आगे चला गया, और 2 स्टेप आगे जाने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू पड़ी होगी मुझे वो वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। फिलहाल इस इंडेक्सिंग पे, इस एड्रेसिंग वाली स्कीम पे, या एड्रेस कैसे लिखा जाता है इस चीज़ पे इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अरे के नेम के अंदर पहले इंडेक्स का एड्रेस पड़ा होता है, अरे के नेम के अंदर पहले इंडेक्स का हमेशा एड्रेस पड़ा होता है। तो जब भी मैं उसके नेम को कोशिश करूंगी प्रिंट करने की, तो मुझे वो एड्रेस शो कर देगा, मुझे वो अरे के एलिमेंट्स शो नहीं करेगा। अब अरे के एलिमेंट्स को शो करना है, अरे के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, तो इसका क्या तरीका है, किसी कोई आइडिया दे सकता है मुझे कैसे डिस्प्ले करें हम, क्या इस तरह से करें कि पहले हम प्रिंट के अंदर लिखें ए सब 0, फिर हम लिखें प्लस लिख के ए सब 1, फिर
फिर हम प्लस लिख के लिखे ए सब, क्या ये तरीका है? ये भी तरीका है, नो डाउट, लेकिन no, एक बेस्ट भी क्या हो सकता है? मैम इसका सिर्फ साथ इंडेक्स लिख देंगे और इनको लेदर लेदर सेपरेट यानी के सिस्टम डाटा और डाटा प्रिंट डालने में इसको प्रिंट कर लेंगे। नहीं वो भी आप यही बात कर रहे हो मैम। मैम लूप भी लगा सकते हैं। लूप, मैं बिल्कुल लूप की बात सुनना चाह रही थी। हम लोग अभी जिसने पहले बात की वो ये बात कर रहे थे कि यहां मैं एक स्टेटमेंट में लिखूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसका इंडेक्स 0, ऐसे मैं एक और लिखती हूं तो यहां मैं लिखती हूं जी रेस अब 1 और इस तरह से। तो फॉर एग्जांपल मैं इनको प्रिंट करती हूं तो मुझे ये सिर्फ दो इंडेक्सेस की वैल्यू जो है यहां पर रिटर्न कर देगा। यहां पे कंपाइल कर लेते हैं फटाफट, देख लेते हैं कि पहले दो इंडेक्सेस की वैल्यू आती है कि नहीं आती। फिर इसके बाद मैं बताती हूं कि अगर हमने सारी की सारी अरे को प्रिंट करना है तो फिर उसके लिए बेस्ट वे लूप ही है। देखिए यहां पे देखिए इसने मुझे 2 और 4 यहां पे प्रिंट करके दिखा दिया। 2 और 4 लिखा हुआ यहां पे नजर आ रहा होगा आपको, ये इसने मुझे दिखा दिया क्योंकि मैंने सिर्फ उससे कहा था कि 0 वाला इंडेक्स दो और 1 वाला इंडेक्स दो, मैंने उससे आगे वाला इंडेक्स मांगे ही नहीं। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जी एक अरे है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करके दिखाओ। तो अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखने बैठ गई तो मुझे क्या पता कि अरे मेरी हो सकता है 15-20 उसके अंदर वैल्यूज हूँ या हो सकता है 50 वैल्यूज हूँ। तो मुझे यहाँ पे हर एक के साथ प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो कि काफ़ी लेंथी काम है। मुझे प्रिंट स्टेटमेंट सिर्फ 50-60 लिखनी पड़ेंगी। तो मैं बेटर वे जो है अभी बात की हुसनैन ने कि हम लोग लूप यूज़ कर लेते हैं। तो लूप में हम लोग बता सकते हैं जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे, स्ट्रिंग के अंदर हम लोगों ने लूप कई जगह पर यूज़ की है। नो डाउट हमने उसको इसलिए यूज़ नहीं किया कि हम लोग उसको प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं, प्रिंट हम लोग उसको सेपरेटली एक सिंपल वे में कर सकते थे, लेकिन हम लोग अरे को प्रिंट करने के लिए भी लूप यूज़ करेंगे। अच्छा लूप किस तरह से यूज़ करेंगे? वही तरीका है जैसे हम लोग ने वहाँ पे की फॉर लूप लगाई, फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई इज लेस देन व्हाट, आई इज लेस देन द लेंथ ऑफ द अरे। अच्छा लेंथ यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे 5 लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को इसका भी फॉर्मूला है, इसका भी मेथड है कि हम अरे की लेंथ निकाल सकें। जैसे लास्ट टाइम याद होगा आप लोगों को कि हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते थे, स्ट्रिंग डॉट लेंथ। यहाँ पे भी स्ट्रिंग डॉट लेंथ नहीं, बेसिकली स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसका नेम डॉट लेंथ। यहाँ पे भी हम अरे का नेम डॉट लेंथ लिख के कर सकते हैं, बाद में करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको 5 लिख रही हूँ। तो ये मेरी फॉर लूप यहाँ पे हो गई। अब इसके अंदर मैं सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट एल एन लिखती प्रिंट लिखती हूँ, और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए सब आई, और प्लस लिख के थोड़ी स्पेस दे देती हूँ ताकि अगला एलिमेंट थोड़ी स्पेस के बाद आए। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले क्योंकि आई के अंदर जो है वो 0 है तो यहाँ पे मेरे पास ए सब 0 होगा, यहाँ पे आई के वाली 0 होगी तो ए सब 0, तो पहला एलिमेंट जो है वो 2 है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे जब लूप आगे जाएगी तो आई 1 हो जाएगा और यहाँ पे आके ए सब 1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर वो 1 वाले एलिमेंट को यानी कि 4 को प्रिंट करेगा। इसी तरह फिर वो आगे जाता जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, वहाँ पे आके मुझे ए सब वैल्यू वो भी इंक्रीज होती रहेगी, ए सब 1 है, सब 2, ए सब 3, इस तरह से होती रहेगी और मुझे वो प्रिंट करके शो करता रहेगा। अब मैं ज़रा इसको सेव करके चला कर देखती हूँ क्या मुझे वो डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। कंपाइल करते हैं, हाँ जी देखिए उसने मुझे एक ही लाइन में क्योंकि मैंने एक ही स्टेटमेंट लिखी थी और मैंने प्रिंट एल एन यूज नहीं किया, एल एन यूज करती तो मुझे अलग अलग लाइन के ऊपर वो शो करता इस तरह से जिस तरह ऊपर उसने किया हुआ है, लेकिन मैंने एल एन यूज नहीं किया इसलिए उसने मुझे एक ही लाइन पे शो किया और थोड़ी थोड़ी स्पेस के साथ शो किया क्योंकि मैंने वहाँ पे स्पेस भी ऐड की हुई थी और उसने मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो शो कर दी। अच्छा अगर अब मैं वही काम करती हूँ कि यहाँ पे मैं ना आई इज लेस देन इक्वल टू 5 कर देती हूँ, यानी कि मैं कहती हूँ 5th इंडेक्स पे भी जाओ, मुझे गलती हो गई है, मेरे से गलती हो गई, मुझे लगा कि 5 इसका साइज है तो मैंने 5 इन पर जाना है। तो अब क्या होगा कि जब आई 5 होगा तब भी ये लूप चलेगी। अब देखते हैं कि ये लूप हमें अलो करती है चलना या नहीं अलो करती। कंपाइल करते हैं, हाँ जी यहाँ पे देखें एरर नहीं था आया, कंपाइल ही हो गया था, कंपाइल ही हो गया था, लेकिन जब ये चल रहा था चलते चलते अब इसने पहले 2 पे गया, 2 को इसने प्रिंट कर लिया, फिर 4 पे गया यानी कि इंडेक्स 1 पे गया, 2 पे गया, इंडेक्स 3 पे गया, इंडेक्स 4 पे गया। जब वो लूप इंडेक्स 5 पे गई तो वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन। अच्छा एरर होती है एक चीज़, अब यहाँ पे एरर नहीं आया था तो वहाँ कंपाइलर में आता, यहाँ पे एक्सेप्शन आई है। एक्सेप्शन क्या कह रही है, एक्सेप्शन क्या कह रही है, कह रही है कि अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और ये 5 पे कहता है ये इंडेक्स तुम्हारा जो है ना आउट ऑफ बाउंड चला गया।
ये एक्सेप्शन आ गया, यहाँ से आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। इससे आगे प्रोग्राम आपने अगर लिखा होता, अभी तो हमने लिखे नहीं हुआ, इससे आगे प्रोग्राम अगर आपने लिखा होता तो इससे आगे वाला प्रोग्राम चलता ही ना, यहाँ पे प्रोग्राम क्रैश होकर प्रोग्राम खत्म हो जाता। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसके बाद कोई स्टेटमेंट लिखती हूँ, सिस्टम डॉट ओके। सॉरी, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ आप लोगों को, कुछ चीज़ें इसमें से एग्जाम में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप लोगों के नॉलेज के लिए आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या होती हैं चीज़ें। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि एंड ऑफ द प्रोग्राम, मैंने यहाँ पे ये वैसे ही लाइन लिखती ताकि मैं देख लूँ कि ये लाइन चलती है या नहीं चलती। होना तो ये चाहिए था, अगर हम लोग ये लूप चलाते, ये लूप चले, ये लूप सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करे, उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट हो और प्रोग्राम खत्म हो जाए। लेकिन अब मैंने वो लाइन भी लिखी है, लेकिन मैंने वहाँ पे एक एक्सेप्शन भी थ्रो कर दिया, मैंने एक एक्सेप्शन देख डाल दिया वहाँ पे। अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ, अब रन किया तो ये देखें, अब यहाँ पे इसने एग्जैक्टली वैसे ही मुझे शो किया जैसे उसने पहले शो किया। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 के बाद एक्सेप्शन आ गई है, 5th इंडेक्स पे एक्सेप्शन आ गई है, और उसकी इसने मुझे कोई और काम करने नहीं दिया। जो भी मेरा प्रोग्राम है, अगर आप लोगों ने बड़ा प्रोग्राम लिखा होता तो ये छोटी सी गलती से आप लोगों का पूरा प्रोग्राम क्रैश हो सकता था। अच्छा, इन एक्सेप्शन को भी हैंडल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, वो आप लोग अगले कोर्सेज अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे, जब आप लोग इसके बाद ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग करोगे या दूसरी प्रोग्रामिंग करोगे तो उसके अंदर आप देखोगे कैसे हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। फिलहाल हम ये नहीं देख रहे, बस देख रहे एक्सेप्शन क्या होती है। एक्सेप्शन भी देखें, प्रोग्राम हमारा बीच में जाके क्रैश हो गया, बीच में कहीं जाके कुछ ऐसा मसला आ गया कि प्रोग्राम जो है आगे चल ही नहीं सका, इस तरह की चीज़ें। तो ये आपने अभी गलती नहीं करनी, ये ध्यान से चीज़ें करनी है कि इंडेक्सिंग को ध्यान रखना है, स्पेशली कि इंडेक्सिंग अगर आपका साइज या साइज 6 है तो इंडेक्सिंग उससे एक कम होगी, हमेशा लेंथ से एक कम होगी। तो अब मैं लेस देन इक्वल टू लेस देन 5 किया, अब मैं इसको सेव करके चलाती हूँ तो अब लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो भी चलेगी। जी देखें, 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद एंड ऑफ द प्रोग्राम, अब ये बिल्कुल ठीक प्रोग्राम चला, हमारा कोई एक्सेप्शन या कोई एरर नहीं आया। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, कैसे हम प्रिंट करते हैं? यस मैम। ओके जी मैम, अच्छा, एक और भी तरीका हमें बताया था, new int जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के तो अंदर। बिल्कुल ऐसे में भूल गई थी, शुक्र आपने याद करा दिया। चलें, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है कि अगर आप लोगों को काफी ज्यादा नंबर आते हैं, आप लोगों के फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10-15 एलिमेंट्स आ गए हैं और आप लोगों को हर एक के अंदर इस तरह से वैल्यू साइन करनी पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग ऐसा कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे ये न्यू इंट 5 लिखने के बजाय यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से वैल्यू जहाँ पर बता दी। ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, अरे के अंदर मैंने एक ही साथ सारी की सारी वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर दी है। एक ये तरीका हो गया, एक दूसरा हो गया, दो तरीके हो गए, एक तीसरा तरीका बताती हूँ आप लोगों को। तीसरा तरीका नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि यूजर से हमने कैसे इनपुट लेनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं इस अरे के अंदर यूजर से इनपुट लूँ, यूजर जो वैल्यूज एंटर करे वो मैं यहाँ पे स्टोर करूँ। ये सेकंड वे था, इसको मैं निकाल देती हूँ फिलहाल यहाँ से, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं यूजर से इनपुट लूँगी, मेरे पास मुझे खुद नहीं पता क्या है चीज़ें। इस तरह डिक्लेयर तो कर दी मैंने, इनिशियलाइज नहीं की, मैंने वैल्यूज असाइन नहीं की। मैं चाहती हूँ कि यूजर जो है वो वैल्यूज असाइन करे, वैल्यूज यूजर एंटर करे, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे भी ऑब्वियसली फॉर लूप लगाऊंगी, क्योंकि मुझे भी 5-6 दफ़ा यूजर से इनपुट लेनी है, 5 नंबर एंटर करेगा तभी तो मैं लूप के अंदर सॉरी अरे के अंदर जाकर स्टोर करूँगी। तो यहाँ पर मैं लूप लगा देती हूँ फटाफट से, एक इन आई स्टार्ट फ्रॉम 0, आई लेस देन 5 जल्दी जल्दी, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे ये फॉर लूप एंड। इसके अंदर मैं यूज करती हूँ, स्कैन पहले प्रिंट कर लेती हूँ, सिस्टम डॉट प्रिंट, और साथ में मैं इसको बताती हूँ कि प्लीज एंटर इंडेक्स नंबर, यहाँ पे प्लस लिख के आई लिख देती हूँ, इंडेक्स नंबर आई, और यहाँ पे मैं फिर से एक प्लस प्लस लिख के थोड़ी सी स्पेस दे देती हूँ ताकि वो साथ ना लगे। अच्छा, ये मैंने कह दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो अरे सब आई लिखा, अरे सब आई यानी कि पहले 0 होगा तो पहले 0 वाले एलिमेंट स्टोर करो, फिर 1 वाले में करो, फिर 2 वाले में करो, लेकिन क्या स्टोर करो, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट, यूजर से इंटीजर लेके ये। अब मैंने स्कैनर को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, उसको अब लोग कर लीजिएगा, वो मैं कर नहीं रही अभी, लेकिन मैं बस बता रही हूँ कैसे अपने यूजर से इनपुट लेनी है। तो यहाँ पर पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल लिखती थी, अब मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिखा,
मैंने एक इंटीजर नॉट इंटीजर साइज की वैल्यू लिखी है, लेकिन मैंने वो अरे में से निकाल के लिखी है, अरे के इंडेक्स को बताया, अरे सब आई लिखा हुआ, तो पहले क्या होगा कि अरे सब आई, अरे सब जीरो, पहले यहाँ पे जीरो आएगा, तो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा सबसे पहले वो जीरो में जाकर स्टोर हो जाएगी, फिर वन आएगा, जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वन में स्टोर हो जाएगी, फिर टू आएगा, इसी तरह जो भी वैल्यू यूजर एंटर करता रहेगा वो नेक्स्ट 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 इंडेक्स के अंदर जाकर स्टोर होती रहेगी। और यहाँ पे ये मैंने आई क्यू लिखा हुआ, ये भी उसको बता रहा है यहाँ पहले आई जीरो होगा, तो वो लिखेगा एंटर इंडेक्स नंबर जीरो, फिर ऐसे वो जीरो की वैल्यू एंटर करेगा तो वो जीरो में जाकर स्टोर हो जाएगी, फिर बाद में आई वन हो जाएगा तो एंटर इंडेक्स नंबर वन, इस तरह से फिर वो वन में जाकर स्टोर हो जाएगा, इसी तरह से ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। ये समझ आई इस बात की? यस मैम। अगर इनपुट लेना भी सीख लिया, अगर हम वो 5 जो लिखा है न्यू इंट 5, वो अगर हम 5 भी ना लिखें, हम यूजर जितने चाहे इनपुट करता जाए वेरिएबल्स में वैल्यू, और हम उसको साथ कोई वैल्यू बता दें कि अगर तुम लूप से बाहर जाना चाहते हो तो कोई करैक्टर एंटर करो, तो ऐसा हो सकता है? हाँ ऐसा हो सकता है, ये करके देखिए। अच्छा यहाँ पे मैं कहती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये 5 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने उसके साथ बोल देते हैं यानी कि कोई भी नंबर एंटर कर, ठीक वो जितने मर्जी बताए साइज बताए बगैर, लेकिन वो करैक्टर जब एंटर करे, मेरा मैम क्वेश्चन ये था कि वो साइज बताए बगैर ही वो लूप हमारा कुछ इस तरह से चले कि अगर हमने क्विज के नंबर एंटर किए ना तो वो बार बार यही पूछता जाए नेक्स्ट एंटर नंबर ऑफ नेक्स्ट क्विज, तो वो एंटर करता जाए जब उसने लूप से बाहर जाना हो तो वो साथ हमने उसको मेंशन किया होगा लूप से बाहर जाना तो एन करैक्टर को एंटर करो, या इस तरह से वो लूप से बाहर चला जाए, लेकिन वो अरे का साइज ना बताए। बिल्कुल ऐसा कोई तरीका है, मैं वो आपको अभी देख के बताऊंगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पड़ रहा, ठीक है? मैंने भी इसको काफी टाइम से यूज नहीं किया तो मैं उसको थोड़ा रिवाइज कर, फिलहाल एक तरीका है पास, मैं अभी सोच रहा हूं। मैम इसको लूप के अंदर रख दें और इसको इनफाइनाइट चलाने दें, लेकिन जब वो नंबर एंटर करेगा उसके आगे हम स्टेटमेंट यूज कर लेंगे, स्टेटमेंट यूज करके, और जब वो उसके इक्वल आ जाएगा वो लूप से बाहर आ जाएगा। बेटे वो तो कर सकते हैं, लेकिन देखो डिक्लेयर तो फिर भी हमने एक ही दफा करना है, डिक्लेयर हम लूप के अंदर बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, डिक्लेयर एक ही दफा करना है, तो लूप के अंदर आप ये करोगे भी तो कैसे करोगे, डिक्लेरेशन तो लूप के अंदर नहीं ना करोगे, डिक्लेरेशन नहीं हो सकेगी, यहाँ पे क्या बताओगे उसको, ये मसला है। ये देखते हैं इसको करेंगे इंशाल्लाह कल, अभी कंफ्यूज ना हूँ, इसको देख लेंगे सिंपल जो अरे का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करें, फिर हम उसको जाएंगे नेक्स्ट लेवल इंशाल्लाह। अच्छा मैं फिलहाल यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 5 लिखा हुआ था, तो उसी के अंदर 5 के ही ऊपर मैं यहाँ पे इसको चला के देख रही थी कि यूजर से हम इनपुट ले रहे थे वो लेता है या नहीं लेता। कंपाइल किया, देखे नीचे नजर आ रहा होगा कोने में लिखा हुआ है एंटर इंडेक्स 0, तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 एंटर कर दिया, फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो कह रहा है एंटर इंडेक्स नंबर 1, अब मैंने यहाँ पे 3 एंटर कर दिया, कह रहा है एंटर इंडेक्स 2, 5 एंटर कर दिया, एंटर इंडेक्स 3, 7 एंटर कर दिया, फिर 9 एंटर कर दिया, और यहाँ से मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, और तुम देखो आप प्रिंट करके सारे दिखा दिए। बच्चे माइक किसको ऑन है? तो इस तरह से हमारा जो काम है ना वो चल गया। अच्छा अब इनपुट भी लेना आ गई, डिक्लेरेशन भी आ गई, डिक्लेरेशन के दौरान ही हमने इनिशियलाइजेशन कैसे की थी, ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स के साथ वो भी आ गई,
और उसके अलावा कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर हमने सेपरेट सेपरेट कैसे इनिशियलाइज किया था, एंड कैसे वैल्यू की थी वो भी हमने कर लिया. अब हम लोग अपने प्रोग्राम में आते हैं, देखते हैं कि हम लोग मेथड्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और मेथड्स किस तरह से अरे में यूज किए जाते हैं. अच्छा, पहले जो हम मेथड यूज करते थे, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सम की बात करती हूँ, कहाँ गया कर्सर मिला, ये सम की बात करती हूँ, तो मैंने सम को जब डिक्लेयर किया यहाँ पे तो स्टार ने रिटर्न टाइप लिखी. रिटर्न टाइप फॉर एग्जाम्पल इसकी इंट है, ये मैंने रिटर्न टाइप लिखी और यहाँ पे मैंने उस सम के मेथड का नाम लिखा और सम के मेथड के नाम के बाद मैंने उसको आर्गुमेंट्स का बताया कि तुमने ये आर्गुमेंट्स लेने हैं और आर्गुमेंट्स के साथ मैं उसको टाइप भी बता रही हूँ. मैंने उसको बताया कि ये इंट टाइप का तुमने एक वेरिएबल लेना है जो कि ए इसका नाम रख लेते हैं, ऐसे ही तुमने एक इंट टाइप का दूसरा लेना है जो कि बी है, या डबल टाइप की है, जो भी टाइप अपनी मर्जी की रखते हैं उस टाइप के वेरिएबल्स. यहाँ पे हमने टाइप बतानी जरूरी होती है जब हम एक मेथड को डिक्लेयर करते हैं, एक मेथड का जो हेडर लिखते हैं ना उसके अंदर टाइप बतानी जरूरी होती है. तो अब क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक अरे पास करें उस मेथड को, तो अरे पास करने से क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हमें उसकी टाइप बतानी पड़ेगी. तो टाइप से क्या मतलब है कि यहाँ पे मुझे किस तरह से मैं बताऊँ कि ये इंटीजर टाइप की अरे है, मैं यहाँ पे इंटीजर के साथ इंट के साथ यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दूंगी तो इसका मतलब होगा कि ये अरे आ रही है. जैसे मैं बात करती हूँ अभी, सपोज मैं एक प्रिंट का मेथड लिखती हूँ, प्रिंट अरे का, जो कि रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है. इसको मैं जो भी अरे पास करूंगी, ये जो है इसका नाम है प्रिंट अरे, जो भी अरे पास करूंगी ये उसको प्रिंट कर देगा. यानी कि मुझे प्रोग्राम के अंदर हर दफा लूप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रिंट करने के लिए, मैं सिर्फ इसको कॉल करूंगी, इसको अपनी मैं अरे दूंगी और ये उस अरे को प्रिंट कर देगा. यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंट और यहाँ पे साथ में मुझे ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी ताकि उसको पता चल जाए कि सिंपल ये इंटीजर नहीं है बल्कि ये इंटीजर टाइप की अरे आ रही है, और साथ में उस अरे का नाम आप कोई भी रख लें यहाँ पे. तो इस तरह से आप मेथड डिक्लेयर करते हैं अपने अरे के लिए. फ्रेंड्स बस यही है कि यहाँ पे आपने ये साथ में ब्रैकेट्स लगाई हुई है, यहाँ पे कोई आपने वैसे ही इंट नहीं लिखा हुआ. अगर वैसे इंट लिखते तो वो एक वेरिएबल समझता, मैंने इसके साथ में ब्रैकेट्स लगाई हैं ताकि उसको पता चल जाए कि मैं यहाँ पे एक अरे एक्सेप्ट कर रहा हूँ. ठीक है, इस तरह से अब करते हैं, जरा मेथड को क्रिएट करते हैं, प्रिंट वाला मेथड ही क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम लोग अपना जो है ना ये प्रिंट वाली चीज़ें जो हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं ये वाली, ये हम यहाँ पे लिखना नहीं चाहते, हमें बार बार प्रिंट करने की जरूरत है तो हम बार बार लूप नहीं लिख सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक मेथड लिखा हो ताकि मैं बस उसको कॉल करूँ और वो हमें प्रिंट करके दे दे. मैं यहाँ पे आती हूँ मेन से ऊपर, यहाँ पे आकर मैं डिक्लेयर करती हूँ अपना एक मेथड जिसका नाम होगा जी प्रिंट अरे पब्लिक स्टैटिक बाइट, कुछ रिटर्न नहीं करता, अपने अंदर ही प्रिंट कर रहा है बस, क्योंकि प्रिंट का ही तो मेथड है ये. तो इसका नाम रख सकते हैं प्रिंट अरे, इंटीजर टाइप की ये एक अरे लेगा मुझसे, उसका नाम मैं रख लेती हूँ अरे ही नाम उसका रख लेते हैं फॉर एग्जांपल. यहाँ पे ये हमारा प्रिंट अरे का मेथड लिख लिया, हेड के अंदर हमने बता दिया उस एक सिर्फ एक ले रहा है, और उसके अलावा हमने इसकी रिटर्न टाइप जो है वो हमने रखी हुई है वाइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये जस्ट प्रिंट ही करेगा, इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप जो है वाइड रखी हुई है. अब हम क्या करते हैं, हमने जो प्रिंट वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी उसको उठाते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम लोग उसको प्रिंट के मेथड के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं. यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं ए नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखना है जो यहाँ पे अरे का नाम आया. जैसे लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, हमने वहाँ से मेथड के अंदर से मैंने एक्स और वाई पास किया था, लेकिन वो क्या हुआ था कि एक्स और वाई की वहाँ से वैल्यू निकल के मेरे पास मेथड के अंदर ए और बी में जाकर चली गई थी, और फिर मैंने ए और बी को ही मेथड के अंदर यूज किया था. ऐसे यहाँ पे मैंने वहाँ से बेशक मैंने ए पास किया हो, यहाँ पे आके वो अरे बन गया है, अरे इसका नाम है जी मेथड का या सॉरी वेरिएबल का, तो मैं इसका नाम ए आर रख लेती. अरे जो है कन्फ्यूजिंग हो रहा है कि अरे टाइप है और अरे इसका नाम है, तो मैं इसका नाम ए आर आर रख लेती. मुझे यहाँ पे भी ए आर आर को ही यूज करना पड़ेगा. ये इस तरह से हो गया. अब मैं इसको कॉल करूंगी, कॉल मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही कॉल करना है, जैसे मैं पहले कर रही थी. इससे पहले मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट खाली लाइन एक देती हूँ, लाइन ब्रेक, ताकि वो अगली लाइन पे जाए. उसके बाद मैंने कॉल करना है इसको, तो उसका नाम है जी प्रिंट अरे, और ये एक अरे एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अरे जो हमारी है वो ए है, मैंने उसको ए पास कर दिया और ये काम है. मैंने कहा जी प्रिंट अरे करो, किस अरे को, ए वाली को, तो यहाँ से ए जो है वो उसकी वैल्यू, बेसिकली ए का जो एड्रेस होता है ना वो जाता है,
ए का जो एड्रेस है वो यहाँ से उठ के चला गया यहाँ पे, उस एड्रेस को उसने यूज किया और उसके अंदर से इसने वैल्यूज ली, वैल्यू लेने के बाद उन सबको प्रिंट कर दिया और मुझे वापस आके अपने प्रोग्राम वापस मुझे मेरा रिजल्ट जो है शो कर दिया। करती हूँ, देखते हैं प्रिंट ये कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने वही काम के बाद रिजल्ट एग्जैक्ट आएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने मेथड से किया होता, पहले हम मेथड के बगैर कर रहे थे तो अब मेथड के साथ हैं। यहाँ कर देती हूँ, ये मैंने रैंडम नंबर्स एंटर कर दिए, उसने उसके बाद मुझे ये सारे सारे जो नंबर्स मैंने एंटर किए थे वो प्रिंट करके शो कर दिए। अब ये प्रिंट उसने खुद से नहीं किए, उसने सिर्फ मेथड कॉल किया और मेथड ने ये काम प्रिंट वाला किया। अब मेथड से फायदा मुझे क्या हुआ कि मुझे इस प्रोग्राम में हो सकता है कि बार बार मुझे प्रिंट करने की जरूरत पड़े, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक मेथड लिख लिया। अब मैं यहाँ पे एक बार मैंने प्रिंट रे किया, एक दफा मैं अच्छा मैं एक दफा स्टार्ट में प्रिंट रे करने की कोशिश करती हूँ, मैंने उसके अंदर वैल्यू जो साइन, मैं यहाँ पे अब यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट रे और उसको मैं पास करती हूँ ए। अब देखते हैं क्या होता है। दोबारा से फाइल हो गया। अच्छा जी, अब रन कर रहे हैं, देखें पहले उसने मुझे क्या शो किया है, 0000। पहले उसके अंदर उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो जीरो सेट कर ली हुई थी और उसके बाद मुझसे वो वैल्यू मांग रहा है जो मैं आगे प्रोग्राम लिखा हुआ बाद में वो काम कर रहा है वही कर रहा है, वो मैं दोबारा से नहीं पढ़ने लगी। जहाँ पे मैंने पहले प्रिंट किया तो पहले मैंने वैल्यू साइन नहीं की हुई थी, उसने मुझे 0000 शो किया, उसने प्रिंट करके दिखा दी। उसके बाद मैंने इस लूप के अंदर उसको इनपुट दी, तो इसने इनपुट लेने के बाद मुझे यहाँ पे दोबारा से प्रिंट किया तो नई वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट करके शो कर देगा। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई? यस मैम। जी मैम। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस काम पे कि हम लोग चाहते हैं कि हम ये मेथड अपने किसी सेपरेट क्लास में लिखें। मैंने कहा कि मैं ये मेन के ऊपर मेथड लिखती हूँ हमेशा, लेकिन मैं यहाँ पर ना लिखूँ क्योंकि मैंने और भी प्रोग्राम लिखने हैं कल को, मुझे और भी प्रोग्राम लिखने हैं ऐसे जिनके अंदर मुझे प्रिंट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं निकाल के किसी ऐसी जगह पर रखूँ जहाँ पे मैं इसको हर एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकूँ, जितने भी प्रोग्राम के अंदर मुझे प्रिंट करने की जरूरत पड़े मैं उन सब के अंदर इसको यूज़ कर सकूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये लैब जो है, ये लैब मैनुअल 14 जो है, इसके अंदर काफ़ी 10-15 टास्क हैं, जो 10 टास्क हैं उनके अंदर मुझे ज़रूरत है इसको अरे को प्रिंट करने की, क्योंकि ये अरे के बारे में ही है तो अरे को प्रिंट करने की जरूरत पड़ती रहेगी हमें बार बार। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक ऐसी जगह पर रखूँ जहाँ से मैं इसको हर दफ़ा सिर्फ मेथड को एक्सेस करूँ, सिर्फ कॉल कर लूँ उसको, मुझे हर दफ़ा मेथड अलग अलग हर क्लास के अंदर लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ही एक न्यू नोटपैड फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, उसके अंदर मैं एक उसका नाम रखती हूँ पब्लिक क्लास और उसका नाम माई मेथड, माई मेथड, और ये क्लास बन गई। अच्छा जी, अब मैं क्या करती हूँ, वहाँ से मेथड उठाती हूँ, वो किधर गया है, अच्छा वहाँ से मेथड उठाती हूँ, कहाँ के ये वाला मेथड यहाँ से लेके कंट्रोल एक्स यहाँ से उठा लिया और मैं उस वाली फाइल के अंदर जो मैंने नई क्रिएट की है यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको स्टोर कर देती हूँ। ये मेरा एक मेथड, इसके अंदर काफ़ी सारे मेथड लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने फिलहाल सिर्फ एक ही लिखा हुआ है, जैसे जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पे लिखते जाएंगे उनको यूज़ करते जाएंगे वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे माय मेथड जो है ना वो ख़त्म हो रहा है और ये पहला मेथड है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ कि ये हमारा जी प्रिंट का मेथड है। मैंने ये अपनी क्लास डिफाइन कर ली है, उस क्लास के अंदर मैं क्या करती हूँ, मैं चाहती हूँ मैं इस प्रोग्राम के अंदर जो मैंने प्रोग्राम अभी लिखा है इसके अंदर मैं यहाँ पे जब मेथड कॉल कर रही तो अब इसको पता नहीं चलेगा कि मेथड कहाँ से कॉल होकर जा रहा है, कहाँ से ये कॉल जा रहा है, कॉल ने जाना कहाँ पे, किस क्लास में जाना है, इस क्लास में तो ये मेथड है नहीं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डॉट के साथ नहीं लिखती तो वो इसी क्लास के अंदर ढूंढेगा, इस क्लास के अंदर नहीं मिलेगा उसको, तो एरर आएगा। जरा मैं सेव करके इसको चला के देखती हूँ कि क्या एरर आता है क्या नहीं आता, देख सकेंगे पिछला प्रोग्राम चला हुआ। अच्छा जी, अब कंपाइल करती हूँ, एरर्स क्या आए हैं, कैनॉट फाइंड सिंबल, ये हमें ये प्रिंट अरे नहीं मिल रहा, ये क्या है प्रिंट अरे, दो तीन जगह पर लिखा उसको, दो तीन जगह पर नहीं मिल रहा कि ये प्रिंट अरे क्या है, तो इसलिए अब हम उसको बताते हैं कि प्रिंट अरे बेसिकली एक मेथड है
डॉट, अब आप लोग मैथ याद आ रही है, मैथ डॉट, हम मैथ डॉट एस क्यू आर टी, मैथ डॉट पावर, इस तरह के हम मेथड लिखते थे, तो बेसिकली इस फोल्डर से बाहर जाएगा, इस फोल्डर में जाएगा जिस फोल्डर के अंदर मैंने इसको सेव किया हुआ है। इसको भी उसी फोल्डर में सेव करेंगे तब ये काम होगा, ठीक है, उसी फोल्डर में रखना है आप लोगों ने। हाँ जी, अब ये सेव हो गया, अब मैं उस फोल्डर में चेक कर लेती हूँ, पड़ा हुआ है जो जावा फाइल है वहीं पे पड़ी हुई है, मेरे पास माई मेथड भी वहीं पे पड़ा हुआ है। तो अब जब मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ माई मेथड के किसी क्लास को, किसी मैथ को, तो ये डायरेक्टली वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे उसके अंदर जाके प्रिंट को ढूंढेगा, उसको वहाँ पे प्रिंट में आएगा। देखती हूँ इसी प्रोग्राम को कंपाइल करके देखती हूँ क्या अब ये सही लगता है या नहीं लगता। मैंने सेव कॉल किया हुआ है, यहाँ पे तो मैंने लिखा ही नहीं माई मेथड डॉट, तो यहाँ पे वो एरर दे रहा है, नीचे वाला तो उसको मिल गया लेकिन यहाँ पे वाला उसको नहीं मिला, तो यहाँ पे लिखेंगे माई मेथड डॉट प्रिंट एरे। तो अब मैंने दोनों जगह बता दिया उसको कि ये दोनों जो हम मेथड कॉल कर रही हूँ ये माई मेथड है, ये मेरे अपने क्लास के लिखे गए मेथड है, वहां से लेके आओ तुम। अब मैंने सेव किया, दोबारा से इसको दोबारा कंपाइल करती हूँ, चल गया कि मैंने उस क्लास में जाना है, उस क्लास के अंदर जाकर मैंने वहाँ से ये मेथड लेना है और मैंने उस पर काम करना है। अब मैं सोच ला रही हूँ तो एग्जैक्टली वैसे ही मुझे प्रिंट इसने किया, एग्जैक्टली वैसे ही पहले वाले ने मुझे जीरो शो किया, उसके बाद मुझे ये है 1 3 इसने उस क्लास के अंदर मेथड को कॉल किया, उस मेथड ने जाकर प्रिंट किया और वहां से वापस आया, फिर अल्लाह का बयान किया। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को? मैम अगर ये मेथड किसी दूसरे फोल्डर में लिखा हुआ पड़ा हो वहां से कॉल हो जाएगा? देखना पड़ेगा, एक सेकंड करके देख लेते हैं। कंपाइल नहीं किया लेकिन वो कंपाइल खुद ही हो गया, उसने देखे क्लास पहले यहाँ पे कब आती है, जब एक मेथड हमारे पास, एक क्लास हमारे पास कंपाइल होती है, तो ऊपर वाली जितना हमने कंपाइल की तो क्लास फाइल आ गई। अब इसकी क्लास फाइल खुद ही आ गई थी, मैंने कंपाइल नहीं किया, खुद ही देख लिया कि मुझे जरूरत है तो खुद ही कंपाइल कर लिया। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे माई मेथड को उठाती हूँ, ये क्लास मैंने डिलीट कर दी, माई मेथड को मैंने उठा लिया यहाँ से, आने के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रख देती हूँ इसको, दोबारा से मैं इसको सेव करती हूँ, जरूरत नहीं है लेकिन चले कर लिया, उसके बाद कंपाइल किया, माई मेथड ही नहीं मिला, माई मेथड का उसने क्लियर हो गई ये बात, उसी फोल्डर में रहना पड़ेगा जिस मैंने पहले बताया। yes, ma'am. अच्छा, अब चलते मैनुअल की तरफ। अब ये कॉन्सेप्ट जो मेजर कॉन्सेप्ट थे वो हमें आ गए, हमें अरे अरे डिक्लेयर करना आ गई, अरे को यूज करना आ गया, हमें मेथड्स के अंदर हमें ये पता चल गया कि हम लोग दूसरे मेथड्स को दूसरी क्लास में कैसे रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात रह गई है, एक और बात ये कि मैंने जो बात की कि हमारे पास जब हम इस मेथड को मैंने ये अरे पास किया यहाँ पे, तो बेसिकली ये अरे का एड्रेस गया है वहाँ पे। अच्छा, एड्रेस गया है तो एड्रेस से मुराद क्या है? अच्छा, मैं यहाँ पे आती हूँ वापस, कहाँ गया हमारा ये